हेलो ब्रियन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, डॉक्टर हर सिंह गौर विश्वविद्यालय का हॉस्टल से रिलेटेड जो अलॉटमेंट नोटिस है रिलीज़ कर दी गई है। साथ ही पीजी कोर्सेज का जो थर्ड राउंड का काउंसलिंग हुआ था, सो ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ था, उसके लिए जो फीस सबमिशन की लिंक है वो वेबसाइट पे आ चुकी है, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। और लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने का 21 नवंबर, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। सो जिन भी स्टूडेंट्स का थर्ड राउंड के काउंसलिंग में सिलेक्शन हुआ है वो अपना फीस सबमिशन कर सकते हैं। लास्ट डेट है 21 नवंबर, सो आप लोगों को ध्यान में रखना है ये। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोविजनल लिस्ट ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एंड निवेदिता हॉस्टल अलॉटमेंट 2022, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। सो आप लोगों को इसके लिए क्या करना था, गूगल फॉर्म भरना था। सो आप लोगों ने भर लिया होगा। ये था पीजी के लिए रानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स हॉस्टल, और ये जो निवेदिता गर्ल्स हॉस्टल का फॉर्म था ये यूजी गर्ल्स के लिए था। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। सो ये रहा गाइस आप लोगों का फर्स्ट नोटिस जो कि निवेदिता गर्ल्स हॉस्टल का है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और ये 18 नवंबर को रिलीज़ की गई है। नोटिस में क्या कहा गया है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अलॉटमेंट लिस्ट इज़ प्रोविजनल, सो ये जो लिस्ट है गाइस ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट है। फाइनल अलॉटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। यहाँ पे कहा गया है कि जो आप लोगों का फाइनल अलॉटमेंट है ये वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स कितने खाली हैं इसका विषय है। इसके आधार पर ही आप लोगों का जो अलॉटमेंट है, जो फाइनल अलॉटमेंट है वो होगा। मतलब कि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हो तब होगा, और अगर सीट्स खाली हैं, सीट्स अवेलेबल है, तभी आप लोगों का फाइनल अलॉटमेंट होगा। लिस्ट में नाम होने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जिनका लिस्ट में नेम है उनका तो हो ही जाएगा, क्योंकि उतनी सीट्स अवेलेबल होंगी। और आप लोग अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हो तभी होगा। ओके, यहाँ पे कहा गया है कि वेरिफिकेशन के टाइम पर या फिर किसी भी स्टेज पर आप अगर किसी फॉल्स इंफॉर्मेशन को क्लेम करते हुए अगर आपने अलॉटमेंट लिया है तो आप लोगों का जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा एट एनी स्टेज। ओके, अगर आपने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दिया है और आपने जो है गलत तरीके से हॉस्टल अलॉटमेंट लिया है, तो आपका अगर कभी भी चेक होता है और आप जो है गलत पाए जाते हो, फॉल्स क्लेम अगर आपके ऊपर लगता है, तो आपका जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद द अलॉटमेंट ऑफ रूम्स वुड बी मेड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 4 PM। यहाँ पे कहा गया है कि आप लोगों का जो अलॉटमेंट है वो मंडे टू फ्राइडे चलने वाला है 10 से लेकर 4 बजे के बीच में। और आप लोगों को जो है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि ऑफिस टाइमिंग जो है उसी टाइमिंग पर आप लोगों को आना है अगर आप अलॉटमेंट करवाने आ रहे हो तो। ठीक है, आप लोगों को 10 बजे से 4 बजे के बीच में आना है, उसके बाद अगर आप लोग आते हो तो आप लोगों का अलॉटमेंट उस दिन नहीं होगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे कहा गया है नो अलॉटमेंट वुड बी मेड ऑन सैटरडे एंड संडे। यहाँ पे कहा गया है कि सैटरडे संडे को आप लोगों का अलॉटमेंट नहीं होगा। द लास्ट डेट फॉर रिपोर्टिंग टू द हॉस्टल विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन इज 30 नवंबर 2022। सो यहाँ पे लास्ट डेट है आप लोगों का 30 नवंबर। 30 नवंबर से पहले आप लोगों को अलॉटमेंट करवा ही लेना है। जिन भी स्टूडेंट्स का इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ अलॉटमेंट में नाम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे टोटल जो पेजेस हैं 14 पेजेस हैं, आप लोगों को ये देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप लोगों के नेम है और आप लोगों के मार्क्स वगैरह मेंशन किए गए हैं, आप लोग देख सकते हो, कैटेगरी वगैरह मेंशन किया गया है। ठीक है, सो इसे आप लोग देख सकते हो। अगर आपको इसमें अपना नेम देखना है तो एक शॉर्टकट तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ही आप PDF को जब ओपन करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को एक सर्च का आइकन देखने को मिलता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस पे सिंपली आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे अपना नाम टाइप करना है। ओके, सो जहाँ पे भी आपका नाम है इस लिस्ट में वो नाम जो होगा आपका वो हाईलाइट हो जाएगा। ओके, सो इस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हो। सो आप लोग चेक कर लीजिएगा, नेक्स्ट नोटिस पे चलते हैं। अब ये जो नोटिस आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये है रानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स हॉस्टल का, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। और रानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स हॉस्टल में केवल पीजी के जो स्टूडेंट हैं, जो पीजी के गर्ल्स कैंडिडेट हैं, केवल उन्हीं को अप्लाई करना था। ठीक है, तो आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, ये भी 18 नवंबर को ही रिलीज किया गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो अभी आप लोगों ने देखा निवेदिता गर्ल्स हॉस्टल के लिए, सेम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, फर्स्ट लिस्ट है ये अलॉटमेंट का। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपने नेम को। तो आप लोगों को इसको डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी इन दोनों PDF को डाउनलोड कर सकते हो, और आप लोगों को दिए गए टाइम से पहले अपना अलॉटमेंट करवा लेना है। ओके, सो आई होप गाइस आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।